नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो जाहिर नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान महिला ने दम तोड़ा, वहीं परिजनों ने किया हंगामा। नैनी थाना क्षेत्र के मामा भांजा तालाब के पास निजी अस्पताल में डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, वहीं गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन करने लगे कि अस्पताल के संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए, नहीं तो परिजन नहीं हटेंगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे SDM करछाना रत्नप्रिया सचिदानंद पहुंचे और लोगों से बातचीत कर अस्पताल को सीज कर दिया गया और तब जाकर लोग शांत हुए। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल प्रयागराज भेज दिया गया है। अस्पताल जाने के लिए वो बताया कि डफरिन के लिए रेफर किया, तो आप उल्टा आ रहे हैं दिखाने के लिए। क्यों आ रहे हो? सस्ता क्या होगा बताओ ना, सस्ता निकल गया। लोग जाना बंद कर दे। प्रयागराज से जगदीश सिंह की एक रिपोर्ट।